छोटे बच्चों की कहानी हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, उसकी बेटी फूल कुमारी। और वही कहानी हम यहाँ पर दोहराएंगे क्योंकि यह भी एक राजा की कहानी है। बहुत पहले एक यहाँ ज़मींदार हुआ करते थे, उस समय लोग राजा भी उसको कहते थे, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो गांव में जिनके पास अथाह संपत्ति होती है, तो वैसे लोग थे श्री तेज नारायण सिंह। तेज नारायण सिंह ने अपने जमीन को इस रेलवे स्टेशन के नामों किया। ये तेज नारायणपुर स्टेशन है और ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का, यानी कि कटिहार रेल मंडल, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में कटिहार रेल मंडल भी है और उसका ये अंतिम पड़ाव है। मेरा नाम है निमेश कुमार सिंह। 1998 में पुराना तेज नारायणपुर स्टेशन कट के गंगा में बह गया। 2004 में फिर नया स्टेशन तेज नारायणपुर बना तेज नारायण सिंह के नाम से। के मामले में भी यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा का पूरा क्षार है, आप गंगा का दर्शन पास ही कर सकते हैं। एक पोखरिया काली एक जगह है यहाँ पर, काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गोगा बिल झील। तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से अवस्थित है और देश विदेश से पक्षी यहाँ नवंबर दिसंबर के माह में लाखों की संख्या में आते हैं और पर्यटक भी वहाँ हमेशा जाया करते हैं। ये जो स्टेशन है ये सबसे करीब है गोगा बिल झील के, जो लोगों को मालूम नहीं है मैं आज आपको ये बताने आया हूँ। आप जब कभी भी रेलवे से गोगा बिल झील आना चाहें तो आप तेज नारायणपुर स्टेशन पर ही आएँ और यहाँ से आप गोगा बिल झील जाएँ। चंद्रशेखर सर मुख्यमंत्री था बिहार का, उसका बहन के शादी यहीं तेरान सिंह बाबू के लड़का से हुआ, उसी के मार्फत से लाइन बना, उसके बाद वो कट गया। कटने के बाद तब लेसी यहाँ की लड़की थी बेटी, वो जाके जब जिस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री था उसके यहाँ जब पैरवी करके वही फिर बनवाया यहाँ, यही बात है। ये जो आप देख रहे हैं ये पटरी, ये जो सीधी और जा रही है ये पटरी आगे जाकर बंद हो जाती है, यानी कि वो लास्ट छोर है, वहाँ से गाड़ी वापस आती है। रोज़ाना इस रेलवे लाइन पर 4 गाड़ियाँ अप एंड डाउन में चलती है, यानी कि 4 गाड़ियाँ आती है और 4 गाड़ियाँ जाती है। ये चारों गाड़ियाँ डेमू के रूप में काम करती है, डेमू एक्सप्रेस के रूप में ये काम करती है, डेमू स्पेशल, यानी डेमू स्पेशल। यहाँ रोज़ाना 4 गाड़ियाँ आती है और 4 गाड़ियाँ जाती है और तकरीबन 700 पैसेंजर, एक अनुमानतः 700 पैसेंजर के आसपास लोग यहाँ से रोज़ाना अप एंड डाउन करते हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ रोज़ाना 4 गाड़ियाँ, 4 डेमू स्पेशल यहाँ आती है और 4 डेमू स्पेशल यहीं से वापस जाती है और तकरीबन 700 यात्री के आसपास रोज़ाना यहाँ से टिकट कटता है। वो सारे टिकट लोकल होते हैं, यहाँ से मनिहारी, यहाँ से कटिहार, इस तरह के टिकट होते हैं यहाँ। और साथ ही यात्री सुविधा के मद्देनज़र यहाँ पर एक छोटा सा आरक्षण केंद्र है जो तकरीबन 10 से 15 टिकट रोज़ाना यहाँ बनता है। हाँ तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और आपको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और
समझ में आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।